आप देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून और मैं हूं विकास मनहा। तो अभी मैं असर नाके पे हूं, यानी जो असर एंट्री पॉइंट है डिस्ट्रिक्ट डोडा का, बिल्कुल वहां पर हूं जहां पर जितने भी लोग यहां से निकल रहे हैं तमाम लोगों की जो है यहां से चेकिंग हो रही है और एंट्री हो रही है और पुलिस के जवान जो है चप्पे चप्पे पे नजर रख रहे हैं। और तीसरा दिन जो है इनकाउंटर का जो है असर के उस एरिया में चल रहा है, यानी सर्च ऑपरेशन उस एरिया में चल रहा है और सिक्योरिटी फोर्स लगातार इन तमाम लोगों की जो है यहाँ से चेकिंग करके यहाँ से वापस भेज रही है। फिलहाल ये पीछे का नज़ारा आप देख लीजिए, जो भी यात्री यहाँ से निकल रहे हैं चाहे फिर वो मचेल यात्री हों या फिर इस हाईवे से किश्तवाड़ या डोडा के लिए जा रहे हैं, उन तमाम लोगों की जो है यहाँ से चेकिंग हो रही है और तमाम लोगों को यहाँ से भेजा जा रहा है उसके बाद। और लगातार सर्च ऑपरेशन बग्गर के इन घने जंगलों में ऊपर वाले हिस्से में जहाँ पर घने बादल हैं और घने बादलों के बीच में जो है सिक्योरिटी फोर्स लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस के ये जवान जो इस बारिश में लगातार यहाँ पर चेकिंग और साथ में जो सर्च ऑपरेशन इन घने जंगलों में घने बादल के बीच में जहाँ पर धुंध है वहाँ पर किया जा रहा है। लगातार सिक्योरिटी फोर्स किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती, सर्च ऑपरेशन इन ऐसे जैसी जगहों पर चल रहा है और किसी तरह की भी, जिसमें आपने देखा था एक आतंकवादी को जो है मार गिराया गया था और एक कैप्टन भी जो है इसमें शहीद हुए थे और एक लोकल जो प्यार सिंह थे वो भी जो है इसमें जख्मी हुए थे इस इनकाउंटर में। लेकिन आज तीसरा रोज है, यानी तीसरा दिन है और इस जगह पर सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। जम्मू कश्मीर के ये पुलिस के जवान लगातार इस बारिश में देख लीजिए किस तरह बारिश में खड़े हैं और किसी तरह का भी कोई रिस्क या सिक्योरिटी लिप्स ना हो जगह जगह पे खड़े हैं और हाथ में राइफल है, आंखों में गुस्सा है क्योंकि ऊपर वाला हिस्से में जहां पर ये इनकाउंटर हुआ था जहां पर एक कैप्टन की जान भी गई थी और एक आतंकवादी को जो है मार भी गिराया था और ऐसे में किसी तरह का कोई रिस्क ना हो पुलिस नाका ये बिल्कुल बग्गर का है जहां पर किस तरह से जम्मू कश्मीर के पुलिस के ये जवान लगातार इस बारिश के बीच में चेकिंग कर रहे हैं और जंगल वाले एरिया में सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है जहां पर एक आतंकवादी को मार गिराया गया था और डोडा के अंदर ये आठवां इनकाउंटर था। लगातार डोडा में टारगेट किया जा रहा था, चाहे फिर छत्तरगला, फिर गंदोह, देसा या कास्तीगढ़, अब जो है बग्गर से ऊपर इस एरिया में जो है आतंकवादी देखे गए थे जिसमें कुछ आतंकवादी जो है अभी फरार है वहां से और एक को जो है मार गिराया गया था। फरार एक और तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं किस तरह से ये जवान जो है तैनात हैं और लगातार यहां पर चेकिंग कर रहे हैं, चाहे फिर जम्मू से डोडा के लिए कोई आ रहा हो, किश्तवाड़ के लिए आ रहा हो या डोडा से जम्मू के लिए जा रहा हो, चप्पे चप्पे पे नजर रख रही है जम्मू कश्मीर पुलिस। और आज 15 अगस्त भी है और लगातार किसी तरह का कोई सिक्योरिटी लेप्स ना हो इसी तरह तैनात हैं और लगातार इस तरह के प्रयास कर रहे हैं हाईवे पर कि किस तरह की मूवमेंट है, कौन कहां जा रहा है, तमाम तरह की चेकिंग हो रही है। फिलहाल देखते रहें यूं जम्मू ट्रिब्यून, मैं विकास मनहास टोडा।